राठ न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज मुंडावर में हूँ। मुंडावर जो बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है, यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ से जो प्रत्याशी है मुंडावर से, श्री पृथ्वीराज यादव जी, इनसे बात करने पहुंचे कि इनका क्या विजन है चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे रहेंगे मुंडावर को लेकर। सर नमस्कार, सबसे पहले आप हमारे जो राठ न्यूज के दर्शक हैं उनको अपना नमस्कार के अभिवादन करें। सबको नमस्कार, धन्यवाद। सर क्या विजन रहेगा आपका चुनाव का? चुनाव का रीजन विजन विजन क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मैनिफेस्टो है आपका चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का मैनिफेस्टो ये है भाई, मूलभूत सुविधाएं पानी की है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, ये मेन मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले मैं आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेना चाहूंगा कि एक आप किस सेवा से जुड़े रहे, या फिर किसान थे, या क्या थे आप? मैं एक एक्समैन था हूँ, और मैं राजनीतिक रूप से 2015 में हम चुनाव लड़ा, 2015 में हम सरपंच बने सोरखा कला पंचायत से, और अभी मैं अपना घर बहुजन समाज पार्टी में सेवा करने का इरादा है बचे हुए जीवन का। आपने कब से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया? बहुजन समाज पार्टी तो मैंने ज्वाइन तो 2 महीने से किया है, लेकिन मेरे विचार बहुजन समाज के जब से मैं फौज में भर्ती हुआ तब से ही है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि नेताओं पे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं बहुजन समाज पार्टी का एक दामन थाम लेते हैं, फिर उसके बाद में भी वहां से छोड़ के चले जाते हैं, आरोप तो आप पे भी लग रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं इस पे? मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी में पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी भावनाएं पहले से जुड़ी हुई है। जब मैं फौज में था 15 साल 20 साल मैंने नौकरी किया, वहां भी बहुजन समाज का मतलब एक मैं मिक्स यूनिट में नौकरी किया 20 साल, मेरी भावनाएं पहले से ही बहुजन समाज से जुड़ी हुई है, और मैं आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, अब प्रत्याशी भी हूँ, और आजीवन बहुजन समाज पार्टी में काम करूंगा, चाहे मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, चाहे पार्टी आज भी मेरी टिकट खोस ले तो भी मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करूंगा। बहुजन समाज पार्टी जो आप जो विचारधारा से जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, कब प्रभावित हुए, ऐसी कौन सी बातें जो आपको माइंड में आई जो उससे प्रभावित हुए? मेरे माइंड में है कि बहुजन समाज हमारा, आपका भी हमारा भी सभी का एक बहुजन समाज ही घर है। ये 85% लोग जो ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लोग, जो 85% लोग हैं, ये सभी एक बहुजन का घर है। लेकिन मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि इस 85% लोगों का जो घर है ये छोड़ के 15% के पास भगे जा रहे हैं, और बार बार भगते हैं। क्यों भगते हैं? वोट हम देते हैं, भग उन 15% के पास जाते हैं, जबकि वहां जाने के बाद भी उनका सबसे पीछे नंबर रहता है लाइन में, कोई उनको पूछता नहीं है, फिर भी हम लोग समझते नहीं है, उनको वोट दे देते हैं। ये समझाने की ये कोशिश भी करेंगे, और बहुजन समाज में अपने घर बना के बहुजन समाज में रहेंगे। क्या लगता है अब की बार जो सरकार थी यहाँ पे कांग्रेस की, आपकी नजर में क्या कार्य नहीं करवा पाई? बहुजन समाज की बात करें तो, और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो, ये तो तोड़ने की नीति है इनकी, बस यही काम करें। आज किसी को भी बहका के बला के पैसों से तोड़ लेते हैं अपने हमारे बहुजन समाज को। आप जीत जाएंगे क्योंकि आपको तोड़ा जाएगा? हो सकता है वो कोशिश करे, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बिल्कुल भी आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता हूँ, बहुजन समाज में रहूंगा, हारूं जीतूं बहुजन समाज में रखा रहे, इसके अंदर रहे। देखिए, करेले से मीठे और जलेबी से सीधे सवाल ये इन्होंने जवाब दिए हैं। पृथ्वीराज यादव जी हैं यहाँ से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन सवाल तो बहुत बड़ा बनता है बहुजन समाज पार्टी के जो नेताओं पे, क्योंकि जग जाहिर है यहाँ पे अच्छा एक वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी का। बहरहाल हालांकि अभी जो आजाद समाज पार्टी है तो ऐसी वोटर्स हैं, इनको ध्रुवीकरण की एक कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण होना तय ऐसा माना जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि यहाँ से जो इनके जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ते हैं अच्छा वोट बैंक पाते हैं, लेकिन फिर वही अपनी जो मूल जो पार्टी है विचारधारा है उसी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सहयोगी सुनील कुमार के साथ विपिन कुमार, राठ न्यूज मुंडावर।